मेरे पास तुम हो। जो आपसे बात कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? आउट देयर। तुम लोग बैठे रहो, बैठो। अगर कोई भी यहां से हिला तो मरेगा मेरे हाथ से। जी तो शहबार अहमद, चेयरमैन शहबार केमिकल्स, हमने कोई बात करनी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझ जैसे टटपुंजिये देखा करेंगे। ये डायलॉग मेरा है, आज इसे मैं बोलूंगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ। क्या कर रही है? पुलिस इंसिडेंट के बाद आती है। लेट मी कंप्लीट इंसिडेंट। उससे पहले तू बोल, बोल बोल जो तेरे दिल में है। बता इनको जो पहले फोन पे कहा था, बोल। दानिश साहब मेरा गिरेबान छोड़िए, आराम से बात कीजिए मुझसे। बोल बोल ना। दो दिन के बाद दोनों की मुलाकात ना हुई तो तेरे वकील क्या करेंगे मेरे साथ? नंगा करेंगे मुझे? तो देख मैं सूट पहन कर आया हूं ताकि नंगा होने से पहले अच्छे कपड़े तो पहन सकूं। डोंट डिस्टर्ब मी, मीटिंग चल रही है अंदर। दरवाजा क्या कर रहे हैं ये? दरवाजा क्या? दरवाजा दो मिनट बैठ कर सोच। तू मुझे नंगा करेगा तो तुझे जरूरत होगी अपने वकीलों की या गुंडों की। फोन करके बुलाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुझे नंगा करूंगा ना तो सिर्फ दो मिनट लगेंगे। देख जो आज होती है ना तेरे पास मेरी एक्स वाइफ, वो बिक गई, तूने खरीद लिया उसको। तो मैंने कहा चलो जो बिक जाए वो खरीदार की। लेकिन अब तूने बात छेड़ दी है मेरे बेटे की, और मेरा बेटा मेरा बचा हुआ गुरूर है। तूने कहा कि तेरे वकील मेरे चीथड़े उड़ा देंगे, ये गलत किया तूने। तूने मुझे याद दिलाया कि मैं अपने बेटे की ताकत हूं, कमजोरी नहीं। तो याद रखना शहबार अहमद, आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सबके सामने सचमुच नंगा कर दूंगा। और तुम लोग को भी इस इंसिडेंट का बहुत फायदा होगा। अब ये तुम्हें फायर नहीं कर सकता। अगर तुमसे ऊंची आवाज में बात करें तो बाहर जाके सबको बता देना कि आज इसके साथ क्या हुआ था, समझे? हैव अ नाइस डे शहबार अहमद। Leave me alone. ये गिरा? नहीं गिरा, नहीं गिरा भाई, तो पूरा चल रहा है यार। ये आइसक्रीम। है ना? आपने लात मारी और उसी कुर्सी उलट गई। वो धप से ऊंधे मुंह जमीन पे गिरा, टांगे कांप रही थी उसकी। बस तुम ऐसे हंसते रहो, फिर मैं सबको देख लूंगा। आप भी इस तरह सबको देखते हैं ना, मैं भी हंसते रहूंगा। बहुत चलाक हो गया तू ना। और हाँ, वो टीचर से भी कहा है तुमने कि विल यू मैरी मी टीचर? बदमाश, बात चलाऊं तुम्हारी उसके साथ? वो मान गई तो।
रूमी तू तो पक्का बदमाश हो गया यार। उससे बात चलाओ ना, बहुत प्यारी है। या मैं उससे बात चलाऊं? तुम बात चलाओगे, तुम क्या बात करोगे उससे? मैं बोलूंगा मेरे पापा से शादी कर लो, माय फादर इज द बेस्ट फादर। अब क्या है? देख रहा हूँ अच्छे लग रहे हो डैशिंग। अपना ख्याल रखना। यू टू। बाय बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। एक मिनट एक मिनट। सच बताऊँ मैं थोड़ा सा ही बड़ा होता ना मैं उनसे शादी कर लेता। शट अप रूमी। कट्टी। हाँ। अच्छा सॉरी सॉरी। ओके। बाय बाय। बाय। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है ना, ऐसी तो चोटी लग जाती। बताओ ना शहबाज, लगता है मुंह के बल गिरे हो तुम। कम ऑन यार। बताओ ना, मेरी जान निकल रही है शहबाज। पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हारी जान किस किस के लिए निकलती है। शहबाज खुदा के वास्ते बताओ हुआ क्या है। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच दलाली करते हुए मुंह के बल गिरा। झगड़ा हुआ है? झगड़ा? कौन करेगा झगड़ा मुझसे? साले ने अचानक मुझ पर धावा बोल दिया। I wasn't expecting this. खैर ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा खून निकला है। पानी दो। रूमी का क्या हुआ? सच बताऊं तो रहम आ रहा है मुझे अपने हाल पर। कल जो लड़की मेरे लिए मर रही थी, आज वो अपने बेटे को याद करके तड़प रही है। मैं जान सकता हूँ, where do I stand? वो नहीं मिलेगा तुमसे। वकील से बात हुई थी मेरी, जब तक रूमी नहीं चाहेगा तुम दोनों की मुलाकात नहीं होगी। और प्लीज तुम भी अपनी मामतों को जरा कंट्रोल में रखो। तुम्हारी वजह से बार बार उस 2% के आदमी से मैं मुलाकातें नहीं कर सकता। मतलब अगर वो मेरा गिरबानी पकड़ ले तो बोलो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो 2 दिन के बाद ये जवाब दिया उसने। क्या? डरा कर चला गया तुम्हें। शहवार केमिकल्स के चेयरमैन को मारपीट कर चला गया। तो क्या करूं, पुलिस लेकर पहुंच जाऊं उसके पास? शहवार केमिकल के चेयरमैन एक टपोरी से लड़ने के लिए आया। मैं चाहूं तो सुबह तक उसका पता ना चले। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हो गया। मैंने कब कहा कि मेरी वजह से चुप हो जाओ? साले को कुछ हो गया ना तो पहला शक तुम पे जाएगा। पुलिस तो साफ कहेगी इस लड़की ने अपने आशना के साथ मिलकर उसको मार डाला। और मीडिया, मीडिया के हाथ ऐसी खबर लग जाए तो ऐसा चर्चा करेगी कि ट्रंप को भी पता चल जाएगा। तुम्हारा बेटा भी उसके चुंगल में, वो बैठ के उसको सिखाता है कि अपनी मामा से नहीं मिलना। उसको भी थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, वो भी कहता होगा हाँ नहीं मिलूंगा। इस तरह क्या देख रही हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह के कामों में इस तरह होता है। तुमने तो कहा था ये मेरी धमकी है, एंड योर धमकी मीन्स समथिंग।
साले को तुम मेरे हाथों मरवाओगी। ओके करता हूँ कुछ, बेटे को साथ लेकर आएगा तुम्हारे पास। साले तो किसी से मिल भी नहीं सकता, क्या कहूंगा? मेरी बहुआ के एक्स हस्बैंड ने मुझे मारा, सांस सोची। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, खेल क्यों नहीं रहे? रेस्ट कर रहा हूँ। तो कब है मामा से मुलाकात? आई नो अभी तो तुम्हारा उनसे मिलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आखिर तो मिलना है ना। चीज़ों मदर नहीं, तुमसे तो वो बहुत प्यार करती हैं, मैंने उनकी आंखों में देखा है। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो नहीं देखा? मेरे पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी नहीं देखा? हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा चलो हम कोई और बात करते हैं। क्या? पता है पापा का फोन आया और वो कह रहे थे कि वो बहुत बहादुर होगा। कल उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। कैसे? वो जो गंदे अंकल है ना, मेरे मामा के हस्बैंड, उनकी पिटाई की उनने। वो बहुत थ्रेट करते थे मेरे पापा को। आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो हम ना पहले तीन लोग एक घर में रहते थे, अब थ्री डिफरेंट हाउसेस। ये सब उस गंदी अंकल की वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी मामा की वजह से। I'm sorry, I didn't mean it. I know you're right. नहीं मैंने वैसे। अच्छा चलो हम कोई और बात करते हैं। क्या? तुम अपने पापा की शादी कर। कल मैंने बात की तो बोले शट अप। साल में एक दफा शट अप बोलते हैं जब बहुत गुस्से में होते हैं। पर तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? ऐसी मैं उनकी एक लड़की देखी ना, बहुत अच्छी लगती है उनके साथ। उन्होंने शक्ल भी देखी है उसकी, पर माने ही नहीं, डांट दिया मुझे। कौन है वो लड़की? मेरी जानने वाली। तुम्हारी? यस। प्यारी है बहुत। बहुत। तो वो माने क्यों नहीं? उनका दिल टूट गया ना टीचर, वो अब शादी नहीं करेंगे। मैं बात करूं पापा से? हंस क्यों रहे? ऐसे ही वो आपको डांट देंगे। कम ऑन तुम देखना वो मुझे नहीं डांटेंगे, मैं बात करती हूँ। तुम फिर हंस रहे हो? मैं खेलने जा रही हूँ। अरे यार बस करो ना, तुम्हारी वजह से एक फटीचर आदमी ने मुझ पर हाथ उठा लिया, तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, और तुम इस तरह रूठ कर बैठी रहोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर तुम शहवार अहमद होकर इतने बेबस हो तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बेबस मतलब? मैं तो समझी थी तुम्हारी धमकी सुनकर वो डर गया होगा, डर के मारे रूमी को लेकर भागता हुआ आएगा मेरे पास और मिन्नत करके कहेगा कि लो रख लो इसको अपने पास, और तुम तो उसके हाथों अपनी नाक तोड़वा कर आ गए।
तुम उसे मरवाओगी मेरे हाथों। मुझे रूमी से मिलना, उसके लिए चाहे तुम कुछ भी करो। आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी या मेरे और मेरे बेटे के बीच में आके दलाली की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी टाई से पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और सबके सामने सचमुच नंगा करूंगा। क्या सोच रहे हो? कल सोच रहा हूं। तुम बात करो उसे, समझाओ उसे, तुम्हारे बेटे की वजह से या फिर तुम्हारी वजह से रियायत मिल रही है उसे, वरना 30,000 में कराची में लोगों का कत्ल हो जाता है। बोलो कि मैं माँ हूं उसकी, मेरा हक है उससे मिलना। ये गरीब लोगों की तरह का एटीट्यूड बंद करें, वरना कहीं बोरी में पड़ा होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे यार, बेटे से मिलने का शौक है तो रिक्वेस्ट कर लो उसकी, तुम्हारी खातिर मैं भी घुटने टेक लूंगा। मैं उससे मिलने जाऊं? हाँ चली जाओ, तब तक मैं ऑफिस के इश्यूज से फारिग हो जाऊंगा, फिर देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। देख क्या रही? देखने से लगता है कि इस तरह रिक्वेस्ट करने में थोड़ी सी बुजदिली है, तो क्या है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी खातिर ये भी सही, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर एक बात पक्की है, महवेश, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चार हजार में बात हुई थी, ठीक है। दीदी की वजह से जा रहा है? जाहिर है, शर्म से सर झुक जाता है आदमी का, और जिन लोगों को रोज वास्ता हो उनसे नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ समझ नहीं आई शेख साहब, अचानक ही हो गया ये सब। एक दिन पता चला कि बीवी छोड़कर जा रही है, और अब खबर आ रही है कि दानिश साहब खुद जा रहे हैं। छोड़ क्यों गई वो उनको? छोड़ नहीं गई जनाब, भाग गई है। जहाँ काम करती थी ना, वहीं बास के साथ सेटिंग हो गई उसकी। समझ, पैसे में इतना मकनातीसा कि खींच देता है अपनी तरफ। दानिश साहब आ रहे हैं। खुदा गवाह, दानिश साहब आपके जाने का बहुत अफसोस है। ऐसा महसूस होता है कि अपना आदमी को छोड़ के जा रहा है। भाई मेरी तरफ से भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप तो फरिश्ता आदमी है, बल्कि हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बताया नहीं आप जा कहाँ रहे? मैंने अभी सोचा नहीं है, सामान अपने दोस्त के यहाँ रखूंगा, शायद मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन खुद आकर मिलूंगा आप लोगों से। जरूर दानिश साहब, मुलाकात होती रहेगी। हाँ इंशाल्लाह। तुमसे झगड़ा किया, तुमसे दोस्ती खत्म कर दी, तो माफ कर देना यार। अरे नहीं नहीं दानिश भाई, झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, कसूर भी मेरा ही था। अभी भी ना जाने पता नहीं क्या गलत सलत बोल दिया मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखना। कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? सलामत रहो तारिश साहब, खुदा हाफिज़ भाई। दिखा देना क्लॉथ। श्योर। और लॉयर से डिस्कस कर लेना। मैं कर लूंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा। सर स्टॉक एक्सचेंज फोन कीजिए। क्यों, क्या हुआ?
सर शेयर 25 रुपए गिर गया। 25 रुपए? मतलब क्या मार्केट क्रैश कर रही है? नहीं सर, मार्केट तो 14 पॉइंट राइज कर रही है। हेलो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? दानी से मिलने। तो जाओ, मुझे फोन क्यों कर रही हो? ये क्या हो रहा है? और हड़ताल का क्या हुआ? हड़ताल तो 2 दिन से चल रही है सर। मतलब काम नहीं हो रहा? ऑब्वियसली सर, कोई काम कर ही नहीं रहा तो काम कैसे होगा? क्यों, उनकी सैलरी से रिवाइज कर दी थी? मैंने तो कह दिया था कि बढ़ा दो सैलरी। नहीं सर, आपने सख्ती से मना किया था कि एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। अरे यार, कहां से पढ़े हो तुम? अब कह दिया ना कि बढ़ा दो, और बढ़ाने से पहले फोन कर देना कि बढ़ गई। जी सर। जाएं। बीबी जी, सुने बीबी जी, अगर आपको दानी साहब से मिलना है तो अब्बा यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? फ्लैट बेच के चले गए। क्या, कहाँ चले गए? ये नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं पता? नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता। रुक गई? कौन रुक गई? मैं हड़ताल की बात कर रहा हूँ। आर यू ऑल राइट? कौन बोल रही है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोल रही हैं आप? महवेश बोल रही हूँ शहवार। ओह, तुमने बताया क्यों नहीं? बोलो क्या बात है? दानिश यहाँ से फ्लैट बेचकर चला गया है। चला गया? डर कर भाग गया साला। और वो साला तुम्हारा एक्स हस्बैंड डर कर भाग गया। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई ना बात हुई, अब कैसे मिलोगी अपने बेटे से? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। आज जीएम का फोन आया था, बोले तनख्वाहें बढ़ रही, हड़ताल खत्म कर दो। मैंने कहा चल, राइटिंग में भेज मुझे, एक एक बंदे की सैलरी रिवाइज कर, पुरानी तनख्वाह से फर्क निकाल कर दिखा, अप्रूव करेंगे तो हड़ताल खत्म होगी। आज शेयर 25 रुपए गिर गए। मैं तो कहता हूँ चेयरमैन साहब, लगा दीजिए जो अकाउंट में पड़े हैं। मैंने भी लगा दिया है, 4.5 लाख का शेयर खरीदा था। मैंने भी लगा दिया, जो कुछ अकाउंट में पड़े थे और जो कुछ बीवी का जेवर बेचकर मिले सबके सब लगा दिए। मैं तो कहता हूँ चेयरमैन साहब, लगा दीजिए जो अकाउंट में पड़े हैं। मैंने भी लगा दिया है, 4.5 लाख का शेयर खरीदा था। मैंने भी लगा दिया, जो कुछ अकाउंट में पड़े थे और जो कुछ बीवी का जेवर बेचकर मिले सबने सब लगा दिए। बस करो, 8 बजे से पी रहे हो। यू नो, आज मैं पहली बार बिजनेस में हार कर आया हूं। वो साले यूनियन वाले जीत गए मुझसे।
13 करोड़ 20 लाख का टीका लगा दी और अब हर साल लगता रहेगा। एक बार तनख्वाह बढ़ जाए तो फिर कम नहीं होती। तनख्वाहें बढ़ाई है ना, तो ये कोई बिजनेस का लॉस तो नहीं हुआ शेवार? टेक्निकली लॉस इज स्वीट हार्ट, जितनी तनख्वाह बढ़ाई उतना प्रॉफिट कम। ऊपर से उन सालों की स्ट्राइक से डरते रहो, बैठकर यही सोचते रहो कि अब कब स्ट्राइक होगी। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ। कैसे सो जाओ, मैं भी परेशान हूं, तुम भी परेशान हो, कैसे सो जाओ? और वो साला तुम्हारा एक्स हस्बैंड डर कर भाग गया। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई ना बात हुई, अब कैसे मिलोगी अपने बेटे से? आई कैन अंडरस्टैंड, एक माँ के दुख का अंदाजा है मुझे, जानता हूं क्या गुजर रही होगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कि मामला मैंने खुदा पर छोड़ा। ना ना ना, खुदा पे मत छोड़ना, वो तलाक लेने वाली औरतों से खुश नहीं होता। जो भी करना उसे जरा बस बचा के करना। You are drunk, Shiv. No, I'm not drunk. I'm absolutely fine. And I'm planning to go for a trip. ऐसा करते हैं, 5-6 दिन के लिए लंदन चलते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। कल परसों शादी करते हैं, फिर चलते हैं लंदन। क्या हुआ? I think I'm drunk. मैं ऐसा करता हूं कि मैं सो जाता हूं। हेलो, सलमान इब्राहिम जी बोल रहा हूँ, आप कौन? दानिश बोल रहा हूँ यार, दानिश अख्तर। अबे यार, तुझे मेरी याद कहाँ से आ गई आज? काम पड़ गया ना तुझसे। पहले बता तू कैसा है, महविश कैसी है? And I heard you have a son. कितना बड़ा हो गया वो? 6 साल। Must be cute. Yes. और वो तुम्हारी छम्मक छल्लो? मिलते हैं ना तो करते हैं बात। ये बता, तू स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है ना? काम? तू हल्का ले रहा है मुझे, इसमें मेंबर हूँ मैं। आयशा के साथ मिलके मेंबरशिप खरीद लिया मैंने। आयशा से चल रहा है अभी? पर मैंने सुना था शादी कर ली तुमने। शादी तो कर ली, पर साथ में इश भी चल रहा है। वेरी बैड यार, तुम लोग पता नहीं शादी किसको कहते हो और इश किसको कहते हो। अबे सुन तो सही, शादी उसी से की है, आयशा से। तो ये बोल ना, अब तो इश करने की इजाजत है ना? खुल्लम खुल्ला। अच्छा बोल, काम क्या है? कल आता हूँ ना तेरे पास, वहाँ बैठकर करते हैं बात। ठीक है, 10 बजे आ जा सुबह। ओके, डन। बाय बाय। राइशा को प्यार देना। बहुत प्यार दिया उसे, तेरी कसम। मिल जाएगी, बस एक कप। थैंक यू।
बाय रोमी। क्या हुआ बोलो? बात की पापा से। कौन सी बात? आप कह रही थी मैं पापा से कहूंगी कि शादी कर लो। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे लड़की दिखाओ। टीचर ट्रस्ट मी, शी इज सुपर क्यूट। तुम ना अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है सबको शक्ल नहीं होती। चलो भागो, मजार की क्लास है। अगर किसी को पैसों के पीछे भागते हुए देखना है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज आ जाए। मैंने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी देखा है, लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं। माल बना रहा है? नौकरी छोड़ दी। क्यों? माल बनाने आया हूँ। तो ठीक तो है ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कुछ तो है जो तेरे चेहरे पे पहले से ज्यादा दिखता है। क्या है बता? पिछले सफर की धूल अभी मुंह धो के साफ कर लेता हूं। बाइक पर है? खैर, महवेश और रूमी कैसे हैं? ठीक है, मजे में? रूमी से तो कभी पूछा नहीं, लेकिन महवेश मजे में। खैर कुछ खाना? चाय भी तूने एक घूट पी है। चाय मैं पूरी पी लूंगा। अच्छा खैर बोल, कैसा है? इन्वेस्टमेंट करनी है। पैसे कितने? 78 लाख। हाँ जी, तो माल बनाया ना मेरे दोस्त ने। अपना फ्लैट बेचा है, अब्बा ने खरीदा था। ओह अच्छा अच्छा, चल मैं तुझे अपने पोर्टफोलियो से मिलवा देता हूँ, वो तुझे बताएगा कौन कौन से शेयर खरीदने हैं। सिर्फ शेवार केमिकल्स। शेवार केमिकल्स? मतलब सारी इन्वेस्टमेंट शेवार केमिकल्स में कर दोगे? हाँ। किसी ने कहा है तुम? मैं कह रहा हूँ। 6 दिन में 60 रुपए से 12 रुपए 10 पैसे पे आ गए हैं शेयर, और आगे आवाज है कि अभी फेस वैल्यू में भी नीचे जाएगा। ये फेस वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा। हाउ डू यू नो? गट फीलिंग। अच्छा, अब हमें बताओगे तुम्हें? चलो नॉट बैड, अगर नुकसान भी हो तो ज्यादा नहीं होगा। कहाँ ना नुकसान नहीं होगा। मुस्तफा, ये शेवार केमिकल्स कितने का है? 11 रुपए 20 पैसे। उससे कहो 78 लाख के जितने मिले खरीद लो। मेरे भाई अभी 2 घंटा रुक जा, फेस वैल्यू में नीचे आएगा ये शेयर। नहीं आएगा, उसको बोल रुके मत, खरीद ले। हाँ सुनो, 7 लाख शेयर खरीद लो। मैं कह रहा हूँ ना खरीद लो। कितने पैसे? देख मत, पैसे बता। ₹77,40,000। और तेरा कमीशन? शट अप यार। ये कैश का चेक है।
तुझे हुआ क्या है? नौकरी की छोड़ दी? मैंने सोचा सब लोग माल बना रहे हैं तो मेरा क्या स्क्रू डील है? और ये शहवार केमिकल्स का मशवरा किसने दिया? तो जहाँ सुबह नाश्ता करता हूँ ना, उस ढाबे पे कोई बात कर रहा था, उनकी बात सुनकर यकीन कर लिया मैंने। रमेश, महवेश से मशवरा किया? महवेश से अब मशवरा नहीं करता मैं। अच्छा, ये कब हुआ? जब से वो डिवोर्स लेके चली गई। क्या क्या बकवास कर रहा है, कहाँ है वो? किसी और के पास। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या बोल रहा है, किसके पास? शिवार केमिकल के मालिक के पास, उससे शादी कर रही है। हाय हाय, आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी के मौलवी साहब आए हैं। कैसी हो तुम? कैसे हो और कैसी है वो नाज़नी? आयशा मुझे कहीं जाना है। किधर जाना है, चलो बैठो आराम से। नहीं जाने दो उसको, आज आज मत रुको, बाद में मिलते हैं ना। ठीक है, दो ऑफिस। इससे क्या हो गया? वही जो नहीं होना था, दोनों में डिवोर्स हो गए। महवेश और दानिश में? आई डोंट बिलीव यू। शेवार केमिकल्स के मालिक से शादी कर रही है। हेलो हेलो हेलो, अमेरिका से लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन आ रहा है, बेल बजती है, मैं उठाती हूँ लेकिन कोई बात नहीं करता। ये दीवान कहाँ है? होगा घर में यहीं कहीं। ठीक है तुम रखो, अब फोन आए तो मत उठाना। क्यों? अरे कहाँ ना मत उठाना। दस रुपए 30 पैसे पे आ गया। तो अभी भी वक्त है, थोड़ा सा नुकसान उठा के निकल ले। मार्केट बंद होने में कितनी देर है? 2 घंटे। तो फिर क्लोजिंग पर पूछना शेयर कितने का है। अरे यार जी मुश्ताक साहब, तो अभी 2 बजे है ना जनाब, 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ढूंढ लूंगा। ओके बाय बाय बाय। आइए दानिश साहब, इतने पैसों में 500 गज का फर्निश घर कराची में दोबारा नहीं मिलेगा आपको, लिख कर देता हूं। 1.5 लाख महीना? जी। ये कम है क्या? ऊपर से 11 महीने का एडवांस। तो पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है मगर छोटा है बहुत। 500 गज का घर छोटा है? खैर चलेगा, ठीक है 10 दिन बाद की डील डन कीजिए। अरे आप तो कह रहे थे जल्दी है,
जल्दी है इसीलिए तो कह रहा हूँ। ये 50,000 एडवांस। एक मिनट। हेलो, हाँ सलमान, सच बता किसने कहा था शहर ऊपर जाएगा? अरे बताया तो था कि ढाबे पे कुछ लोग बात कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? 2 रुपए 50 पैसे, भेज दे दानिश, फौरन भेज दे। अरे यार तुझे मेंबरशिप किसने दी है? शहर ऊपर जाए तो कहता है भेज दे, शहर नीचे आए तो कहता है भेज दे। अभी आगे देखो क्या होता है, 8 दिन बाद भेजो। क्या रेंट है इसका? 1.5 लाख महीना। 500 गज के फर्निश घर का, बहुत कम है मुश्ताक साहब। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।